दोस्तों, ड्राइविंग करना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त इंसान को हर समय एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा खतरा बन सकती है। आप भी रोजाना बाइक या कार ड्राइविंग करते होंगे। अगर आज हम आपको दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे माहिर ड्राइवर से मिलवाएंगे जो कि बड़े बड़े खतरों से भी नहीं डरते और वे अपने काम में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो चलिए मिलते हैं इन माहिर ड्राइवर से जो शायद सीधे भगवान से ही मिलकर आए हैं। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट के नजारे देख शायद आपका दिल कहीं बाहर ना निकल आए। चलिए शुरू करते हैं। शुक्र है कि हम भारत में रहते हैं। यहाँ वैसे भी ड्राइविंग टेस्ट थोड़ी सी आसान होती है, लेकिन यूरोप के बड़े बड़े देशों में ड्राइविंग के मामलों में काफी ज्यादा सख्ती बरती जाती है, क्योंकि ज्यादातर देशों में ठंड का मौसम होता है और वहाँ बर्फ गिरती है। इस बर्फ के फिसलन भरे रास्तों पर गाड़ी चलाना वैसे भी आसान नहीं होता, इसलिए जो ड्रंक ड्राइविंग के लिए टेस्ट लिया जाता है वो कुछ इस तरह से काफी मुश्किल है। ड्राइवर्स के सामने काफी सारी रुकावटें पैदा की जाती हैं। एक भी रुकावट अगर ये ड्राइवर पार ना कर पाया तो उसे लाइसेंस नहीं दिया जाता। लेकिन दोस्त, ये जो ड्राइवर्स आप देख रहे हैं उनको देखकर लगता है कि ये किसी दूसरी दुनिया से ही आए हैं। जिस आसानी और सटीकता से ये ड्राइवर्स मुश्किलों को पार कर रहे हैं वो देखते ही बनता है। दोस्तों, आपने कभी किसी ट्रक को लोड होते देखा हो तो आपको मालूम होगा कि ट्रक पर सामान को लोड करने के लिए या तो लोकल तरीका लकड़ी के पट्टों का इस्तेमाल होता है, जो कि एक मुश्किल काम होता है, या फिर लिफ्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से भारी चीजों को भी आसानी से उठाकर ट्रक में लोड किया जा सकता है। लेकिन ड्राइवर एक माहिर और पक्का खिलाड़ी हो तो उसे किसी लिफ्टर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आप इस एक्सपर्ट ड्राइवर को देख रहे हैं, जिसे देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये कैसे इतने बड़े और भारी रोल कंटेनर में आसानी से लोड कर रहा है। और यकीनन हर कंपनी चाहेगी कि उनके पास भी ऐसे ही माहिर ड्राइवर्स काम करें, मगर ऐसी कमाल की स्किल हर ड्राइवर के पास नहीं होती। दोस्तों, ट्रक से सामान उतारने का हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन सबसे माहिर ड्राइवर अपना ट्रक कैसे खाली करते हैं ये भी देख लें। इस ड्राइवर ने तो गाड़ी को बंद करने की भी जहमत नहीं उठाई, बल्कि एक झटके से गाड़ी को पीछे कर दिया और ऊपर मौजूद तो सामान नीचे गिर गया, जो कि हर ड्राइवर के बस की बात नहीं। जरा गौर फरमाते हैं, रेंज में गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स के ऊपर कमाल की गति, लाजवाब कंट्रोल और प्रतिस्पर्धी को पछाड़ते हुए ये लोग, यही खासियत होती है रेंज में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स की। इनकी काबिलियत का पूरी तरह से अनुभव करने के लिए समय निकालकर आपको रेस कोर्स ही जाना होगा। रेस में चल रही अलग अलग चीजों को हम पसंद करते हैं। किसी को ड्रिफ्टिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है, किसी भी टर्न के पास गाड़ी के टायरों को घिसाड़ते हुए चले जाना, इसे ही ड्रिफ्टिंग कहते हैं। बाकी रेस में गाड़ियां जमीन पर कम और हवा में ज्यादा उड़ती दिखाई देंगी, इन ड्राइवर्स का कोई तोड़ ही नहीं। अब जरा इन लोगों पर गौर फरमाइए, टू व्हीलर पर ये लोग सैकड़ों किलो लकड़ियां इस तरह से ले जा रहे हैं जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई, ऐसा तो सिर्फ इंडिया में ही होता है। ये जवान तो गन्ने से भरा ट्रैक्टर इस तरह से चला रहा है जैसे ये रोड नहीं इसके बाप की हो। स्पर्धा में अक्सर लोगों के कौशल को देखने का मौका मिलता है। दो मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर 45 डिग्री के एंगल पर किसी ट्रक को चलाना भाई कोई बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन इस ड्राइवर के लिए ये सच में बाएं हाथ का खेल है। दोस्तों, अगर आपने कभी कहीं गाड़ी पार्क की हो तो आप इन माहिर ड्राइवर्स को देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह क्या बात है, क्योंकि इनकी पार्किंग स्किल्स को देखकर कोई भी इनका फैन हो सकता है। इतनी तेज स्पीड में गाड़ी को घुमाकर पार्किंग पर लगाना सच में कोई बच्चों का खेल नहीं, ये तो सच में कमाल है। अगर आपको ट्रक पर कई सारा और बड़ा सामान रखा गया हो तो हमेशा ढलान और मोड़ पर बड़ी संभावना रहती है कि आपसे कोई चूक हो जाए और सारा सामान गिर जाए या फिर गाड़ी ही फंस जाए। लेकिन गाड़ी चलाने का ऐसा तरीका शायद ही किसी को मालूम हो। लगता है इस ड्राइवर को गणित का अच्छा खासा ज्ञान है,
तभी तो इतनी सटीकता से इसने इस मोड़ को पार कर लिया। दोस्तों, बारिश के सीजन में जब हफ्ता हफ्ता बारिश होती रहती है तो कई बार खुले और मेन रोड्स में भी पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर गुजरने वाले लोगों और खास तौर पर ट्रैफिक को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ड्राइवर मजे हुए हो तो बड़ी बड़ी लहरें भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी इस गाड़ी की हाइट से भी ऊंचा है और ड्राइवर को कुछ नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसने इसे पार करके ही दम लिया। यकीनन अगर वहां मेरे जैसा ड्राइवर होता तो वो गाड़ी वहीं छोड़कर भाग जाता। ये तो सच में कमाल के ड्राइवर है जिन्हें हर रोज गहरे पानी, घुमावदार मोड़ों और तंग रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।